सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक इन ए न्यू स्टोरी वीडियो। तो गाइस, आज के दिन हम चोरी करने वाले हैं पुलिस वालों की थार, जो कि काफ़ी खतरनाक थार मॉडिफाइड करवा रखी है पुलिस वालों ने। एंड यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, वहीं पे वो थार रखी हुई है और मैं आपको थार का चीट कोड भी बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए वीडियो को और जल्दी से पुलिस वालों की थार चुराने। बट उससे पहले यहाँ पे हम कुछ वुपन्स ले लेते हैं, जिससे हमको क्या होगा कि कोई भी पुलिस वाला यदि हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम इजीली उससे बच जाएंगे। यहाँ पे पास ही में एक वुपन शॉप, वहाँ पे चल के जल्दी से ले लेते हैं। भाई ये रही फुली स्टोन ब्रिक्स, यानी कि ब्रिक्स ईंटों की बन रखी है पूरी। भाई इन्होंने एमोनेशन पे क्या ही मस्त सा कलर करवा रखा है, या फिर इन्होंने प्लास्टर ही नहीं करवाया। और हमें इससे क्या करना, अभी हम जल्दी से जाके वुपन बाई कर लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने कुछ वुपन खरीद लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे एक पिस्टल है, आरपीजी वारपीजी वगैरह। एंड जस्ट ये सभी चीज़ें काम आएंगी, मैं बताऊँगा आपको ये किस काम आएंगी। बट उससे पहले यहाँ पर हम अभी चलते हैं हमारे फ्रेंड के पास, उससे थोड़ा सा काम है। वो मैं बताने वाला था, उससे थोड़ा सा काम है, काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट काम है। अभी चलते हैं वहीं पर, उसी के वहीं पर ही पता चलेगा कि हमने क्या चीज़ मंगवाई है। एंड जस्ट चलते हैं, वो पास ही के सिटी में रहता है। यहाँ पे पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। बट ओ भाई साहब, ओ रे यार, यहाँ पता नहीं कैसे ही गिर गया मैं इस गाड़ी से। बट नो प्रॉब्लम, अभी चलते हैं जल्दी से उस बंदे के पास, जिससे के पास हमने वो सामान मंगवाया हुआ है। और वो इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा, वो मैं तभी बताऊंगा कि मैंने उससे क्या मंगवाया है, जब आप सब्सक्राइब कर दोगे चैनल को और वीडियो को लाइक कर दोगे। अगर नहीं करोगे तो मैं आपको नहीं बताऊँगा। एंड जस्ट चलते हैं अभी उसकी कंपनी के पास, उसकी काफ़ी बड़ी कंपनी है तो वहाँ पे रहता है वो। एंड जस्ट ये खड़ा हो, भाई यार इतनी ज़्यादा स्पीड है ना इस गाड़ी में। मैंने एक तो इसको इसके इंजन को अपग्रेड 4 कर दिया, तो भाई उससे काफ़ी ज़्यादा स्पीड मिल जाती है। एंड जस्ट चलते हैं इसको, यहाँ पे मुझे एक छोटा सा स्पीडोमीटर और लगवा लेना चाहिए, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट इस बंदे से लेते हैं वो चीज़। अब यार ये बंदे से बोल देते हैं, भाई थोड़ा सा साइड में आ जा। गाइज, यहाँ पे इससे हमने बात कर ली है। एंड जस्ट अभी चलते हैं यहाँ पे जहाँ पे कोई नहीं देखेगा, बट हमने जो चीज़ मंगवाई है इस बंदे से, भाई साहब, भाई इधर आ जा, जल्दी दे दे वो बैग मुझे और ये बैग तू ले ले। तो गाइज, यहाँ पे इस बंदे से मैंने वो सीक्रेट चीज़ ले ली है, जो मैं अभी रिवील नहीं करने वाला हूँ। वो मैं तभी रिवील करूँगा जब आप इस वीडियो को लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। एंड जल्दी से चलते हैं अभी पुलिस वालों की थार चुराने के लिए। एंड काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा वैसे पुलिस वालों की थार, भाई अलग ही नेक्स्ट लेवल मज़ा आएगा। एंड अभी चलते हैं पहले पुलिस स्टेशन पे, यहाँ से लेते हैं राइट। जो जो इस गेम को पसंद करता है भाई, वो कमेंट में हार्ट लिख दीजिए, हार्ट कर दो यार इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के लिए। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं उस पुलिस स्टेशन के पास। एंड जस्ट अभी हमारी गाड़ी को छुपा के यहाँ पे लगा देते हैं और स्नाइपर से चेक करते हैं यहाँ पे कोई पुलिस वाला है या नहीं। एंड जस्ट मुझे तो नहीं लगता कोई होगा, क्योंकि बट अभी वो उनका डिनर का टाइम है, या वो खाना वाना खाने गए होंगे। ये अभी इस टाइम पे वो एसीपी और वो इंस्पेक्टर दोनों भाई खाना खाने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ से छुप के देखते हैं, और उनके सभी वर्कर भी भाई इस ये रखी वो थार जो हमको चोरी करनी है। एंड यहाँ पे पीछे देख सकते हो आप पुलिस वालों की एसयूवीज रखी हुई है, यहाँ पे उनकी सेडान रखी हुई है, वो भी भाई मॉन्स्टर में। और यहाँ पे ओ भाई, ये कौन सी गाड़ी है भाई, यार क्या ही मस्त गाड़ी है ये, चल के देखते हैं कौन सी है। एंड जस्ट सही रहा है, यहाँ पे हमने वुपन ले लिया है, बट कुछ भी प्रॉब्लम आई तो अब भाई यार तू चल जल्दी, ऐसे नॉर्मल चलते हैं ऐसे। तो रहिए भाई, सबसे ज़्यादा काली गाड़ी यही लग रही है, क्या ही मस्त गाड़ी है। एंड जल्दी से बैठते इसके अंदर, वैसे पुलिस स्टेशन में कोई भी नहीं है, तो लेके निकल लेते हैं जितनी जल्दी होता है उतनी जल्दी यहाँ से चलते हैं। तो गाइज यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, यहाँ पे एसीपी और इंस्पेक्टर दोनों आ चुके हैं और इन सभी को पता चल चुका है कि मैंने भाई इनकी थार चोरी कर ली है। एंड जस्ट अभी यहाँ से लेके चलते हैं इसको, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी यहाँ से निकलते हैं। भाई यार उन्होंने पूरी फोर्स बुला ली है, पुलिस फोर्स। अभी यार यहाँ पे तो ऑलरेडी इन्होंने गाड़ियाँ लगा रखी है, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योर प्लेस है ये। एंड भाई साहब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम चांस है पुलिस वालों के आने का, भाई साहब ओपी यार। एंड जस्ट यहाँ पे हमारे पीछे से पुलिस हट चुकी है,
जल्दी से इस गाड़ी को ले जाके हम कर देते इसका कलर चेंज, वरना किसी भी पुलिस वाले ने देख लिया भाई तो यहाँ पे हमारी फिर से वॉट लग जाएगी। एंड जस्ट अभी इसका कलर चेंज करवा देते हैं फुली वाइट, एंड फिर इस थार को कोई पहचान नहीं पाएगा। एंड जस्ट अभी जल्दी से इसको लेके चलते हैं गैराज पे भाई, क्या ही मस्त सी गाड़ी है हमारे पास। एंड ये रहा हमारी सिटी का गैराज, जहाँ पे चल के जल्दी से भाई 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 चेंज करवाते हैं इस गाड़ी का कलर। भाई साहब क्या ही मस्त सा गैराज है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने करवा लिया अपनी थार का कलर रेड, बिकॉज मुझे वाइट इतना कुछ जम नहीं रहा था। एंड जस्ट अभी इसको लेके चलते एक सीक्रेट सी प्लेस पे, और वहाँ पे इस थार को रख के छुपा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे इस थार को देखने वाला कोई नहीं रहेगा। कुछ दिनों तक यदि हम इसको छुपा के रख देंगे तो पुलिस वालों को भी भूल जाएंगे इस गाड़ी, पुलिस वाले भी इस गाड़ी को भूल जाएंगे, एंड हमारा काम भी हो जाएगा। और हम इसको एक महीने बाद इस सिटी के अंदर वापस से लेके आएंगे, और उसके बाद हम चलाएंगे इस गाड़ी को। भाई मस्त काम है रहा यार। जस्ट यार ये कुछ लोग हैं यहाँ पे देख रहे हैं, वैसे वो वैसे मुझे ये नहीं पता मैंने अपनी कावासाकी निंजा रख कहाँ दी। वो अच्छा वो उन पुलिस स्टेशन के सामने, जस्ट ये रही वो जगह जहाँ पे हम अपनी थार को सिक्योर रखने वाले हैं। एंड यहाँ पे रख देते हैं हमारी थार को, काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा काम। एंड ये रही हमारी सीक्रेट प्लेस, उतरते हैं यहाँ से और निकलते हैं। भाई साहब काफ़ी ज़्यादा मस्त काम रहा। और ये भाई साहब अभी हमारी गाड़ी हो चुकी है सिक्योर, और यहाँ पे बस हमको डोर लगाना बाकी रह गया है। अगली बार यहाँ पे डोर भी लगवा देंगे भाई, थोड़ी सी दिख रही है वैसे नो प्रॉब्लम, यहाँ पे उतने ज़्यादा पुलिस वाले आके नहीं देखेंगे। और किसी की भी गाड़ी चोरी करके चलते हैं जल्दी से घर पे, और मैं बताता हूँ आपको इस बैग के अंदर क्या है। अबे बंदे 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 गाड़ी दे यार तू, भाई ब्रेक ही लगा दिया उसने। तो अभी इस गाड़ी को लेके जाने वाला हूँ मैं अपने घर की तरफ, और आपको दिखाऊंगा इस बैग के अंदर क्या है। तो गाइस इसको लेकर पहुंच चुका हूँ मैं अपने विलेज एरिया की तरफ, जहाँ पे हमारा हाउस है। एंड यहीं पे मैं आपको बताने वाला हूँ इस बैग के अंदर क्या है भाई साहब, और भाई साहब क्या ही मस्त। एंड अभी इस गाड़ी को लगा देते हमारे पड़ोसी के पास, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सही दिमाग लगाया है हमने, बट वैसे हमको ऐसे रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वैसे ये गेम है इसलिए हमने कुछ कर दिया ऐसा वैसा। और जस्ट इस बैग को ओपन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। यहाँ पे बैग ओपन हो चुका है, और जस्ट हमको यहाँ पे मैंने कहा था आपको, तो गाइस जैसे कि मैंने आपको कहा था मैं आपको बताऊँगा इस थार का चीट कोड, तो उस थार का चीट कोड यहाँ पे आप जैसे डायल करोगे डायल पैड में जाने के बाद 90 90, तो आपके सामने आ जाएगी वो वाली थार। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस यदि आप पेड प्रमोशन करवाना चाहते हो आपके चैनल का, तो इंस्टाग्राम की मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी होगी, वहां पे जाके आप मुझे डीएम कर सकते हो। जब आप मुझे डीएम करने जाओ तब मेरा एक छोटा सा काम कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना, और कमेंट में बताना ये स्टोरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।